मैं अपना रिजल्ट वाला पेज खोली तो मेरे को देखकर इतना खुशी हुआ कि आई गॉट AIR 38 एंड कैटेगरी रैंक 4। हे बजी, दिस इज समृद्धि शर्मा। आई एम 19 परसोनेट एंड डायनामिक। एक्चुअली आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार, सो यू कैन से आई एम ऑल द वे फ्रॉम बिहार। एक्चुअली आई एम परस्यूइंग माई फर्स्ट ईयर ऑफ BSc नर्सिंग फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। जब मैं अपना नीट का पेपर दे करके आई तो मुझे लग गया था कि इस साल मेरा MBBS में नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं गया था। मैंने सोचा नहीं था कि फिजिक्स के पेपर इस साल इतने टफ आ जाएंगे, तो मैं बिना रुके एम्स BSc नर्सिंग के लिए पढ़ना शुरू कर। तो जब मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा तुम्हें GK पढ़ना चाहिए। GK का यूज़ हर जगह होता है, हर पॉइंट पे होता है। मतलब तुम अगर पढ़ोगी तो कहीं ना कहीं तुम्हें यूज़ ज़रूर आएगा। तो एक दिन मेरे पापा ने MNS के बारे में रिसर्च किया, मतलब सर्च किया गूगल पर। तब उन्हें पता चला कि MNS एक बहुत अच्छा जॉब है। तो मैंने नीट के साथ साथ MNS का भी पढ़ाई करना शुरू कर। तो मेरे पापा मेरे लिए MNS का कंटेंट लेकर के आते थे और मैं उसे हर रोज रात के 10 से 11 पढ़ती थी, क्योंकि मैं सुबह कंटिन्यूसली नीट के लिए पढ़ाई करती थी। मुझे 10 से 11 सिर्फ GK और इंग्लिश पढ़ने का टाइम मिलता था। तो धीरे धीरे हर रोज मैंने MNS के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। बट जिस दिन मैं तब पापा ने एक दिन YouTube पर मैम का वीडियो देखा। OMG, मैम क्या कंटेंट देती है। सच कहूँ यार, मैम के कंटेंट ना मतलब वाकई बहुत अच्छे रहते हैं। वो टू द पॉइंट होते हैं। जैसे स्टैटिक GK का बात करूँ तो स्टैटिक GK क्वेश्चन मतलब सच में बहुत अच्छे रहते हैं। अब बारी आया MNS के पेपर का। तो MNS का पेपर था मेरे नीट के एग्जाम से पहले। मेरे को ये डर लग गया, ये फोबिया हो गया कि कहीं मेरा नीट का पेपर ख़राब नहीं हो जाए। इस डर के कारण मैंने MNS का पेपर ही छोड़ दिया। और जब मैं अगले दिन MNS के एग्ज़ाम के अगले दिन मैंने जब वो क्वेश्चन देखा मैम के चैनल पर, तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि मेरे से वो सारे क्वेश्चन बन रहे थे। इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू मैम। ज्वाइन किया और मैम को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लिया। तब मैंने ये सोचा कि अब मैं एम्स BSc नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन करूँगी, और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तब मैम ने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था, तो मैंने वो टेस्ट सीरीज भी मतलब ज्वाइन कर लिया। और मैं क्या करती थी कि जैसे हर एक वीक के एंड में मैं हर टेस्ट के साथ मैम एक सिलेबस देती थी कि टेस्ट 1 में इतना सिलेबस है, टेस्ट 2 में इतना सिलेबस है, टेस्ट 3 में इतना सिलेबस है। तो मैं उस टेस्ट सीरीज के जो सिलेबस था उसको डिवाइड कर लेती थी और हर संडे को वो टेस्ट देती थी। उतना सिलेबस मैंने एक वीक में कंप्लीट किया और अगले संडे को मैं टेस्ट देती थी। कभी मेरे कम मार्क्स आते थे तो कभी मेरे ज़्यादा मार्क्स आते थे। कम मार्क्स आने पर मेरे को वो अंदर से फीलिंग आता है ना, वो डर वाला, वही मेरे को मोटिवेट करता था। कभी कभी लगता था कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मेरा नीट में नहीं हुआ तो मेरे से कैसे होगा। लेकिन अंदर से आवाज़ आता था कि तुम कर सकती हो, कर सकती हो। तो वो मुझे लो मार्क्स मोटिवेट करते थे। मैं अपने वीक पॉइंट को ढूंढती थी और उस पर फोकस करना स्टार्ट कर देती थी। धीरे 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 ऐसे करती गई, करती गई, करती गई। तब मैम ने एक दिन YouTube पर वीडियो डाला कि KGMU BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम मतलब है। तो मैंने KGMU BSc नर्सिंग के लिए फॉर्म भर दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसका पेपर कैसा होता है। मैं तो तैयारी कर रही थी एम्स BSc नर्सिंग का, जिसमें होते हैं निगेटिव मार्किंग। तब मेरे को पता चला कि KGMU में निगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं हो गई बहुत खुश। अब मैं ठहरी बिहार से और पेपर था मेरा लखनऊ में, तो मुझे जाना था लखनऊ। तो मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले ट्रेन पकड़ के गई लखनऊ। अब जब मैं लखनऊ पहुंचती हूँ तो मैं ठहरी बिहार से और पेपर था लखनऊ में। ट्रैवलिंग के कारण हो गया मुझे फ्रस्ट्रेशन, और उस फ्रस्ट्रेशन के साथ मैं बैठी एग्ज़ाम देने के लिए। मैं जब पेपर दे रही थी देन आई सी क्वेश्चंस, मेरे से फिजिक्स के सारे क्वेश्चन बन रहे थे। मेरे को बहुत खुशी हुआ उस टाइम।
मतलब फिजिक्स में मेरे एक या दो क्वेश्चन गलत हुए होंगे, केमिस्ट्री मेरा इनऑर्गेनिक मेरा थोड़ा सा वीक है तो इनऑर्गेनिक में मेरे दो तीन क्वेश्चन गलत हो गए, और बायो के तो मेरे लगभग सारे क्वेश्चन सही हुए। एंड देन वी टॉक अबाउट इंग्लिश एंड जीके, देन आई कांट से अबाउट दैट एंड अबाउट नर्सिंग फाउंडेशन द क्वेश्चंस आर टू गुड। देन आफ्टर माय पेपर आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए इसमें, लेकिन मेरा पेपर एम्स का भी पेपर था, मैं घर आकर के एम्स का प्रिपरेशन करना शुरू कर दी, मतलब रोका नहीं प्रिपरेशन करना मैंने। देन एक दिन मैं बैठ कर प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरा रिजल्ट आया KGMU का, मतलब अंदर से बहुत डर लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब मैं अपना रिजल्ट वाला पेज खोली तो मेरे को देखकर इतना खुशी हुआ कि आई गॉट AIR 38 एंड कैटेगरी रैंक 4 इन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं मुझे लगा कि मेरा काउंसलिंग में हो जाना चाहिए क्योंकि KGMU में टोटल 110 सीट्स हैं एंड अप्रॉक्स जनरल के लिए 45 सीट्स हैं, एंड देन OBC के लिए 32 होंगे एंड और बाकी का मुझे आइडिया नहीं है वैसे। तो जिस दिन एम्स का पेपर था उस दिन मेरा KGMU का काउंसलिंग था, तो एम्स का पेपर तो मेरा छूट गया। अगर मैं KGMU का काउंसलिंग छोड़ती तो मेरा एम्स का, मतलब एम्स का पेपर देने जाती तो KGMU का काउंसलिंग छूटता, और KGMU का काउंसलिंग करवाती तो एम्स का। तो मैंने ये सोचा कि मेरे पास जो है उसे मैं गवाऊंगी नहीं, तो मैंने KGMU का काउंसलिंग करवा लिया। देन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग मैम ने मेरा नाम बुलाया, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि मेरा फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मुझे लगभग 2 दिन लगा सारा प्रोसीड्यूर कंप्लीट करने में, पेपर सबमिट करने में, एफिडेविट बनवाने में, बहुत सारा पेपर उन्होंने जमा करवाया। और उसके बाद फिर देन वी, अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ के टीचर्स कैसे हैं तो यहाँ के टीचर्स तो बहुत 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 अच्छे, बहुत हेल्पफुल है, और यहाँ का सीनियर्स वाकई मतलब गजब के हैं कि वो हमेशा अपने जूनियर्स को हेल्प करने के लिए मतलब आगे रहते हैं। अगर आज मैं ये कह सकती हूँ कि मैं KGMU की स्टूडेंट हूँ तो ये सिर्फ मैम आपकी वजह से है, क्योंकि अगर मैं उस दिन आपका वीडियो नहीं देखी जाती तो मैं उस दिन फॉर्म नहीं भर पाती, और उस दिन लास्ट डेट था जब मैंने KGMU का फॉर्म भरा। मैम के वीडियो को फॉलो करते हुए मैंने बहुत सारे कॉलेज में फॉर्म भरा, जैसे SGPGI, MBBS नर्सिंग, KGMU नर्सिंग, ABVMU, इन सारे कॉलेज में मैंने फॉर्म भरा। तो जिसका सबसे पहले रिजल्ट आ गया मैंने उसमें मैं उसमें एडमिशन ले लिया। अगर मैं, मुझे पूरा भरोसा है अपने प्रिपरेशन पे कि अगर मैं एम्स का पेपर देती तो मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो जाता। एट लास्ट आई मस्ट से यू ऑल दैट यू शुड हैव टू फॉलो मैम, बिकॉज ऑफ हर आई एम इन द बेस्ट कॉलेज ऑफ लखनऊ, दैट इज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो प्लीज़ फॉलो मैम।